गुड मॉर्निंग एंड दिस मॉर्निंग और सुप्रभात और परमेश्वर का आशीष आज की सुबह आप सब पर बना रहे मेरे मित्रों आई ग्रीट यू एंड विश यू गॉड्स प्रेजेंस मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं मेरी प्रार्थना ये है परमेश्वर का उपस्थिति आप सबके संग बना और आइए हम अपने मनन को जारी रखें परमेश्वर के आशीषों के ऊपर जो कि लू का रचित उसके चौबीसवे अध्याय और पचास और इक्यावन वचन से है लुकिंग इन टू द ग्रीक वर्ड फॉर ब्लेसिंग और हम तो आशीष शब्द के लिए जो यूनानी शब्द है उसकी ओर अपने मनन को रखे हुए थे And the, 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 the word for blessing, in Greek means फोर things. और आशीष जो शब्द है यूनानी भाषा में इसके चार अर्थ And we have looked at the first two. और हमने जो पहले दो अर्थ थे उनकी ओर देखा नंबर वन थिंग पहली बात थी इट मीन्स फोर थिंग्स दर्ड ब्लेसिंग इन ग्रीक हैज द मीनिंग ऑफ फोर थिंग्स और जो यूनानी शब्द आशीष शब्द के लिए है उसके चार अर्थ हैं नंबर वन दिया गया एक तोहफा जो हमारे कार्यों को आशीषित करता है And, uh, two, दूसरा था परमेश्वर का आशीष इस बात को भी दिखाता है कि कैसे उसकी उपस्थिति हमारे साथ है एंड नंबर थ्री गॉड गिविंग स्ट्रेंथ और तीसरी बात की परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति और बल को देता है नंबर फोर और चौथी बात गॉड वर्किंग इन एंड थ्रू आस टू डू गुड और परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य को करता है भले कार्यो के लिए सो so थिंग और ये पहली बात सेकंड हमने देखा किस प्रकार से पुराने नियम में जो शब्द आशीष के लिए प्रयोग किया गया है लगभग चार सौ बार से भी ज्यादा प्रयोग हुआ एंड वी ऑल्सो फाउंड दिंग गॉड डेड आफ्टर क्रिएशन वॉज ही ब्लेस्ड

all work of christ can be summed up by the statement that god has sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का सारा कार्य उसका सारा सुसमाचार को हम एक बाग में या एक बात में उसे, उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं और वो ये है कि पिता परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा ताकि वो हम सबको आशीषित कर दे हमारे दुष्टता और हमारे पापों को हमसे हटाने के द्वारा थ्री के कार्य उसका तीसरा अध्याय छब्बीसवे वचन वी ऑल्सो सी हिम चिल्ड्रेन और हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसी ने अपनी पृथ्वी की सेवकाई में छोटे बच्चों पर भी आशीष को दिया समाचार उसका अध्याय तेरहवे वचन से लेकर सोलवे वचन तक एंड इन लुक द लास्ट चैप्टर देशन से उसका चौबीसवा अध्याय में हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो अपने आशीषित करता पृथ्वी को छोड़कर वो स्वर्ग की ओर बढ़ता है स्वर्ग की स्वर्गरोहण की ओर बढ़ता है उसने अपने हाथों को उठाया और अपने छेलों को आशीर्षित किया की पार्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ द्स और हम देखते हैं किस प्रकार से आशीष प्रेतों के शिवकाई में भी एक महान और एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया वी डू एवरी वी लिव because of his blessing और याद रखिए हम जीते हैं क्योंकि उसका आशीष हम पर है we do our works because of his blessing और हम अपने कार्य को करते हैं क्योंकि उसका आशीष हम पर है and we serve him because of his blessing और हम उसकी सेवा करते हैं क्योंकि उसकी आशीष के लिए as the words of jesus makes it very clear he said without me you can do nothing और जैसे कि यीशु बड़े स्पष्ट शब्दों में इन बातों को कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी कर नहीं सकते अब ब्रीथिंग हमारा सांस लेना आवर मूविंग हमारा चलना आवर वॉकिंग हमारा चलना आवर आवर डूइंग वर्क विद डूंग हमारे हाथों से कार्य करना आवर हियरिंग एंड लिसनिंग हमारा सुनना और देखना और हमारा देखना एंड आवर माइंड दैट एनेबल्स टू थिंक और हमारा दिमाग जो हमें सोचने के लिए सहायता करता ब्लेसिंग हम इन सारी बातों को कर पाते हैं क्योंकि उसका आशीष हम पर है सो एवरी मोमेंट वी ब्रीथ और इसलिए हर क्षण हम सांस लेते हैं Why? क्यों इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ये सिर्फ और सिर्फ उसकी आशीष के कारण है बाइबल से वचन बताता है एनी मैन नो मैटर हाउ ही मे बी इज ओनली कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो वो सिर्फ एक सांस लेने की वजह से दैट मींस यू ब्रीथ एंड देयर इज नो गारंटी दैट यू विल ब्रीथ अगेन और आप इसका मतलब ये है आप सांस तो लेते हैं लेकिन इस बात का कोई गारंटी नहीं But कोई सिद्धता नहीं कि क्या अगली बार भी आप सांस लें यूर लाइव लेकिन आज के दिन आप जीवित हैं और उसी, लिए हम उसी को सारा आदर और महिमा दे एंड और आप क्यों जीवित हैं ताकि आप उसकी सेवा करने पाए और सेवा के द्वारा उसकी महिमा हो जाए इन बातों को भूलना चौथी बात चौथा अर्थ ब्लेसिंग इज कंडीशनल और याद रखिए इस आशीष जो है ये शर्तों के साथ है बिकॉज गॉड्स पीपल पीपुल मेक अ चॉइस क्योंकि परमेश्वर के लोगों को एक चुनाव करना है दे विल आईड बी ब्लेस्ड थ्रू ओबीडियंस या तो वो आशीष आज्ञाकारिता के द्वारा आशीष पाएंगे और बी खर्स थ्रू डिसोबीडियंस या तो अनाज्ञाकारिता के द्वारा श्रापित हो जाएंगे 30 15 says, और व्यवस्था विवरण उसका में लिखा God है। God और परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है सी आई सेट बीफॉर यू टूडे लाइफ एंड प्रोस्परिटी देखो मैं तुम्हारे समुख जीवन और समृद्धि को रखता हूँ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन और नाश और मृत्यु को भी फॉर आई कमांड यू टूडे टू लव द Lord यूर गॉड और इस आज्ञा को तुम्हें देता हूं कि तुम अपने परमेश्वर अपने प्रभु से प्रेम रखो टू वॉक इन हिस वे और उसके मार्गों के अनुसार चलो एंड कीप His command, और उसकी आज्ञा को मानो बिक्रीस और एंड और उसकी आज्ञाओं, व्यवस्था को और उसके कानून को मानो यूक्री और उसके द्वारा इस ऐसा करने के द्वारा तुम बढ़ते चले जाओगे and you will live. और तुम जीवन को पाओगे ऑन योर ओबीडियंस और डिसोबीडियंस ये तो निर्भर करता है आपकी आज्ञाकारिता या अन्यकारिता पर एंड लॉड यूर गॉड विल ब्लेस यू और तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारा प्रभु है वो तुम्हें आशीष देगा ब्लेस यू वे कहा आशीष देगा In In the land you are possessing. जहाँ पर जिस भूमि को तुमने जीता है, जहाँ तुम रहते हो, वहाँ आशीष देगा. In the land you are entering into. और उस भूमि पर तुम्हें आशीष देगा, जहाँ तुम जाते हो. To possess it. ताकि उस पर अपना न्याय कर सको। When God promises, His promises stands true all the time. और याद रखिए जब परमेश्वर अपने वादों को करता है तो उसके वादे हमेशा के लिए सत्य हैं। So है. don't walk away from His Blessings by your disobedience. और उसकी आशीषों से कभी दूर ना भागे अपनी अनज्ञा के द्वारा इंडिया की पुस्तक उसका सत्रवा अध्याय पांचवे वचन में लिखा है श्रापित है वो जो मनुष्य पर अपने भरोसे को रखता है हुन अवे फ्रॉम गॉड जिसके हृदय परमेश्वर से पलट गए हैं बट ब्लेड इज द मैन ट्रस्ट इन द लो लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है इस बात को याद आप बहुत के जीवन का आनंद ले सकते हैं आज्ञाकारी बनने के द्वारा पांचवी बार पांच बार हाउ डू वी रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड की कैसे हम परमेश्वर की आशीष को पाते हैं थ्री थिंग्स आर Are required for this तीन बातें इसके लिए जरूरी हैं। नंबर वन पहली बात वी मस्ट ऑलवेज फोकस एंड डिपेंड ऑन गॉड हमें हर समय परमेश्वर पर ध्यान रखना और उसी पर निर्भर रहना है डिपेंड ऑन गॉड फॉर आवर मिनिस्ट्री और परमेश्वर पर निर्भर रहना है हमारी सेवकाई के लिए आवर वर्ड हमारे कार्यों के लिए एंड आवर फैमिली और हमारे परिवारों के लिए हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 और इब्रानियों की पुस्तक उसका बारवा अध्याय

Love and obey Him. हमें निरंतर रूप से परमेश्वर से प्रेम रखना है उस पर भरोसा रखना है the, और उसके प्रति आज्ञाकारी बने रह चैनल्स थ्रू विच द ब्लसिंग फ्लो इन टू अस एंड ऑल ऑफ आस बंटल क्योंकि ये वो मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की हमारे जीवन में के द्वारा आशीषित वाक्य उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन रेवल्यूशन चैप्टर ट्वेंटी टू वर्स सेवन और बाइसवा अध्याय और सत्ताइसवा वचन एंड ऑल्सो और साथ ही साथ मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी फोर वर्ष फोर्टी फाइव एंड फोर्टी सिक्स मत रचित सुसमाचार ट्वेंटी फोर उसका चौबीसवाध्याय पैंतालीसवें वचन से लेकर छियालीसवें वचन तक रीड दिफ्टर दिस मेडिक और इस मनन के बाद आप इन वचनों को पढ़े एंड दर्ड थिंग दैट इज रिक्वायर जो तीसरी बात जो जरूरी है टू रिसीव द ब्लेंग ताकि हम परमेश्वर की आशीष को पा सके मस्ट रिमूव एवरी फ्रॉम आवर लाइफ हमें अपने जीवन से हर एक उस बात को निकाल फेंकना है दैट विंडर प्रिवेंट हिस्स ब्ले जो उसकी आशीषों को हमारे जीवन में रोक सकती है देर आर मेनी ब्लॉकेजेस कई सारी रुकावटें हैं। वी मस्ट बी केयरफुल that वी डोंट अलाउ एनी ब्लॉकेजेस ऑन द वे हमें इस बात को लेकर सावधान बने रहना है कि किसी भी प्रकार की रुकावट को हमने सामने नहीं आने the देना क्लियर ऑफ ऑल याद रखिए वो मार्ग हर एक प्रकार की रुकावट से साफ होना चाहिए लाइक डिसोबीडियंस एंड डाउट एंड जैसे संदेह एंड लास्टली और अंत में सिक्स्थ और छठी बात God's blessings are not the same as earthly याद रखिए परमेश्वर की आशीष पृथ्वी की सफलता के अनुसार नहीं है मेटीरियल गेन्स या जो हम वस्तुओं वास्तविक रूप से जो वस्तुओं को पाते हैं वो नहीं और दब्सेंस ऑफ सफरिंग या सारे दुख खत्म हो जाए ये भी नहीं

कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ ह्यूमन स्टैंडर्ड परमेश्वर के आशीष परमेश्वर का जो सफलता का स्तर है वो मनुष्य की सफलता के स्तर के बिल्कुल विपरीत है आई होप यू गॉट इट और मुझे आशा है आप सब समझे होंगे द वर्ल्ड से वह संसार कहता है If you are a success business man, और आप एक सफलता पूर्वक व्यवसाय कर रहे हैं यू आर ब्लेस्ट आप आशीषित है If you have perfect health, और आपकी बहुत अच्छी सेहत है फिजिकल स्ट्रेंथ और अच्छा शारीरिक शक्तिषितुड फैमिली आपके पास एक अच्छा परिवार मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की आशीषिंग परमेश्वर की आशीष इन ऐसी सारी आशीषों के विपरीत है

क्या आप ऐसा सोच सकते हैं बाइबल से और फिर भी वचन बताता है देर गॉड हिम कि परमेश्वर ने उस स्थान पर याकूब को आशिष्ट किया वेयर ही वॉज ब्रोकन जहाँ पर उसका हड्डी टूट गया था उट लाइफ और उसके पूरे जीवन तक वो शारीरिक समस्या उसके संग रही so सो रिमेम्बर और याद रखिये परमेश्वर का सफलता का स्तर यू रीड दिस इन वचनों को आप पढ़े मैथ्यू चैप्टर टेन थर्टी नाइन मतरचित सुसमाचार उसका दसवा अध्याय उन्तालीसवा वचन मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी वर्ष ट्वेंटी सिक्स मत का ही सुसमाचार उसका बीसवा अध्याय छब्बीसवा वचन लूक चैप्टर ट्वेल्व वर्ष ट्वेंटी लू का रची सुसमाचार बारहवा अध्याय इक्कीसवा वचन गले चैप्टर टू वर्ष सिक्स और गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय छठा वचन माय फ्रेंड मेरे मित्रों गॉड ट्रूली ब्लेस यू टुडे परमेश्वर एक अच्छी रीति से आप सबको आशीषित एंड एंजॉय ब्लेसिंग परमेश्वर के आशीष का आनंद आप लें एंड आई होप यू ले और मैं पूरी आशा करता हूँ आप याद रखेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों के पीछे जाएंगे इसके बजाय कि आप सांसारिक समृद्धि और धन और लाभों के पीछे लॉर्ड लव्स यू परमेश्वर आपसे प्रेम करता है You are His creation. आप उसकी रचना है really केवल आपको करना चाहता है, लेकिन आपको संभालना चाहता for this है I commit you to God. और इसके लिए मैं आपको परमेश्वर के हाथों में हूँ। Lord, परमेश्वर We Thank you for everyone who listened to this meditation. धन्यवाद आज की सुबह जिस किसी ने भी इस वनन को सुना Let them be inheritors of your blessing, heavenly blessing. होने देन में से सब ते स्वर्गीय आशीषों के वारिस बन जाएं। विच विल मेक दम ट्रूली रिच

की आशीष का आनंद आप लेते हैं ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष आमेन आमेन